आरोपी से देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम द्वारा भ्रमण के दौरान छोटा भागरदा रोड पंजाबी ढाबा के पास से संदिग्धों को चेक करते एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्टल मय जिंदा कारतूस सहित लोडेड हालत में रखे मिले। व्यक्ति से नाम पूछताछ करने के बाद उसने अपना नाम ऋतिक, पिता अनिल नागर, उम्र 18 वर्ष, निवासी 6/4 हरिजन कॉलोनी न्यू पलासिया इंदौर का होना बताया है। बदमाश किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र में पिस्टल लेकर घूम रहा था, जिसे पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने के पूर्व भी पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल मय जिंदा कारतूस सहित जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जो कि संदिग्ध है और उसके पास हथियार होने की पूर्ण संभावना है, छोटा बांगड़ा रोड पर पंजाबी ढाबा पड़ता है, उसके पास खड़ा हुआ है। तो उसकी कहीं डील होनी है, बेचना है उसको, ऐसा कुछ बताया। तो उसकी सूचना पर तुरंत मैं फोर्स के यहाँ से रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो एक लड़का खड़ा देखा, जैसा मुखबिर ने बताया था वैसे ही लड़का देखा हमें। तो उस लड़के से पूछताछ की और उसकी तलाशी ली, तो उसमें एक पिस्टल और एक राउंड, एक पिस्टल थी, देसी पिस्टल थी। वो उससे पूछा, लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। फिर उससे पिस्टल की पहचान के समक्ष जब्ती ली गई और गिरफ्तार किया गया। अभी उससे पूछताछ जारी है कि कहाँ से लाया था, किसको बेच रहा था। तो ये किसी कोई वारदात को अंजाम देने वाला था, वो पूछताछ जारी है उससे। तो अभी तो प्राथमिक यही पता चला है कि किसी को बेचने के लिए खड़ा था।